अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश एवं सदस्य KYIC आयोग भारत सरकार पंडित सुनील भराला गुरुवार को गोरखपुर दौरे पर थे। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि श्रम विभाग की चल रही जांच कल्याणकारी योजनाओं के पात्र उसके पात्र परिवारों की संख्या घट रही है, लगातार उस पर चिंतन किया गया। उसके साथ यहाँ के लेबर अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि सभी नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। उसकी पात्रता जो 15,000 थी न्यूनतम, उसको अब 21,000 रुपये कर दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश एवं सदस्य KYIC आयोग भारत सरकार पंडित सुनील भराला ने कहा, गोरखपुर मंडल की मंडलीय समीक्षा बैठक प्रथम में आज हमारे सभी मंडलीय अधिकारी और श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ पर हमारे सम्मानित बोर्ड के मान्य सदस्यगण और यहाँ पर उद्यमी आज सब इस बैठक में शामिल थे। बैठक में श्रम कल्याण परिषद की 1965 से जो कल्याणकारी योजनाएं थी, जो पिछले लंबे वर्षों से वो 5 कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन लगातार था, उसके जो पात्र परिवारों की संख्या घट रही है लगातार, उस पर चिंतन था। उसके साथ यहाँ के लेबर अधिकारियों को अवगत ये भी कराया गया है कि सब में परिवर्तन कर दिया गया है। उसके जो पात्रता थी, उस पात्रता को भी जो 15,000 रुपये न्यूनतम आय का स्रोत हो उसी व्यक्ति को मिलना, उसको हमने 21,000 रुपये धनराशि बढ़ा करके निर्णय लिया है कि जो 21,000 रुपये तक की आय होगी अब पात्र वे लोग बन सकते हैं। मासिक आय तो हम श्रम कल्याण परिषद की जो 5 कल्याणकारी योजनाएं थी, जिसमें देखा पुत्री के कन्या विवाह योजना, उसमें पहले 15,000 रुपये धनराशि थी, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया है और उस योजना का नाम भी बदल करके महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विवाह योजना के नाम से लागू किया गया है। उसी में जो पहले 5,000 रुपये अंत्येष्टि योजना को श्रमिक परिवारों को मिलता था, उसको बढ़ा करके भी 10,000 रुपये का निर्णय लिया गया है और साथ में योजना का नाम बदल करके महाराजा हरिश्चंद्र अंत्येष्टि योजना रखा गया है। उसी के पाठ्यक्रम को लेकर के जो उसकी 3 योजनाएँ उसके अंदर थी, उनके डबल राशि करने का निर्णय लिया गया है और साथ में उनके नाम बदल करके भी एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कल्याण योजना के नाम से रखी गई है और एक महादेवी वर्मा के नाम से रखी गई है, महादेवी वर्मा जी के नाम से रखी गई है। और एक हमारी जो 5वीं योजना है वो हमने दत्तोपंत ठेकणी के नाम से रखी गई है। ये ऐसी 5 कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि बढ़ाने का काम किया है और उनके नाम परिवर्तन करने का काम किया है। उसके साथ साथ हमने 2 कल्याणकारी योजनाएं और चलाई हैं। एक हमने धार्मिक और पर्यटन यात्रा के नाम से चलाई गई है, जिस पर धार्मिक और पर्यटन यात्रा होगी, उनके श्रमिक परिवारों को कराया जाएगा, उनका पंजीयन जो 100 रुपये में होगा और 100 रुपये में यात्रा कराने का निर्णय लिया है। उसी के साथ में हमारी 7वीं योजनाएँ खेल कल्याण योजना के नाम से चलाई गई है, खेल खिलाड़ी बनाना, उन परिवारों को आगे बढ़ाना, प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये जनपद खेलने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा और जो जिले से ऊपर प्रदेश में खेलेगा उसको 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी और जो उससे ऊपर बढ़ेगा केंद्र में जाएगा उसको हम 20,000 रुपये की राशि और जो विश्व में जाएगा उसको 25,000 रुपये की राशि उस खिलाड़ी को प्रोत्साहन के लिए उत्साहवर्धन के लिए हम धनराशि देंगे। साथ में एक योजना का भी हमने निर्णय लिया है, 8वीं योजना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करना, उनके परिवारों के लिए, श्रमिक के लिए और जागरूकता अवेयरनेस योजनाओं के लिए हम अपने मंडलीय स्तर पर हम लोग सांस्कृतिक कवि सम्मेलन उन श्रमिक परिवारों के बीच में करेंगे। वे श्रमिक परिवार भी रहेंगे, उसमें उद्यमी भी रहेंगे, उसमें श्रमिक नेता भी रहेंगे, श्रम कल्याण परिषद भी रह गए और उसमें लेबर ऑफिसर्स भी रहेंगे। अपनी योजनाओं का भी उल्लेख होगा और हम साथ में उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, लोक गायक
आदि कार्यक्रम से सुशोभित भी करेंगे। उनके बीच में ये मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा।